Assalamu alaikum, khawateen o hazrat. Taaliyan bajate bajate mere bhi haath darde ke mere liye bhi to bajaiye. So my name is Shaista Imtiaz Haider and I am Channel Win ki anchor and presenter. Myself, Sayyid Sania Zahrabadi, and I'm a freelance anchor. And as well as I've studied my master's in economics and also a Quran teacher with experience 13 to 14 years. And inshallah, aaj hamare saath power pack talk show mein ye mera saath de rahi hain. तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए आई नो आई अंडरस्टैंड हमारी बहुत दूर दूर से मेहमान खुसूसी आई हैं बहुत कीमती वक्त निकाल के आई हैं तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए सबसे पहले मैं इस पावर पैक टॉक शो की होस्ट को आवाज़ देना चाहूँगी एक बहुत ही मुख्तसर से शेर के साथ कि मैं अकेली ही चली थी जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया तो मैं दावत देना चाहूँगी मेरी सबसे प्यारी दोस्त इस प्रोजेक्ट की अल हादी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर एंड सीईओ जनाब शबाना सादिक हसन पट्टावाला शबाना के लिए मेरे पास बहुत ही एक अच्छी खासी स्पीच थी और उसको जो है मैं बहुत ही मुख्तसर से कहना चाहूँगी कि आप न सिर्फ अल हादी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं आज इस इवेंट की बानी हैं बल्कि आज ये जो है एक पुरखलूस माँ है पुरशफ़क़त और पुर मोहब्बत माँ है और साथ ही एक बेहतरीन हमसफ़र है तो इसी के साथ हम जो है अपने पैनलिस्ट को भी आपकी इजाज़त है अपने पैनलिस्ट को भी जो है हम एक के बाद एक जो है बुलाना चाहेंगे हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट है मिसेस अस्मा ज़ैदी जो कि आप टेरिटरी हेड हैं तेलंगाना की और जम्मू कश्मीर की और एजुकेशनिस्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इन्होंने बच्चों की कैरेक्टर डेवलपमेंट में महारत हासिल की है और साथ साथ हमारी लाइक फ़ख्र मेहमान है तो प्लीज़ वेलकम मिसेस अस्मा ज़ैदी ख़वातीनों हज़रात से गुजारिश है कि हर पैनलिस्ट का पुरजोश इस्तकबाल करें ताकि उन्हें लगे कि वो यहाँ पर बहुत ठंडी ऑडियंस के साथ नहीं बैठे हैं वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट हिजाब डे लेट्स गिव अ बिग हैंड इसके बाद हमारी दूसरी फाइनलिस्ट पैनलिस्ट जो हैं उनका नाम है शाहीन अख्तर साहिबा शाहीन अख्तर वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की जानी मानी रेफरी जो कि कराटे फेडरेशन की अजीम तश्कील में से एक मानी जाती हैं पिछले 35 सालों से आप इस फील्ड में बनी हुई हैं और आप अपनी बच्चियों को लोगों को सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट आपने सिखाया है आप फर्स्ट वुमेन रेफरी इन साउथ एशिया होने का एजाज़ रखती हैं साथ ही 7 degree इन ब्लैक बेल्ट एक्स नेशनल चैम्पियन ऑफ द कंट्री वुमेन सपोर्ट चैम्पियन इन वर्ल्ड बॉडी के मेंबर हैं और सामा यानी शाहीन अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स की फाउंडर और टेक्निकल डायरेक्टर लेडी हैं प्लीज़ वेलकम मिसेस शाहीन अख्तर हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट एक हमारी आज की जनरेशन के लिए बहुत ही हौसला की परवेज़ रखने वाली हैं और ये शख्सियत इतनी कम उम्र में एक बहुत बड़े हिजाबी ब्लॉगर हैं और साथ साथ दिल्ली के जील एंटरप्राइज़ में एक मैनेजर भी हैं और इनको एक अलग नाम से भी दुनिया में पहचाना जाता है वो है डांसर टर्न हिजाबी सो प्लीज़ वेलकम सिस्टर हलीमा शेख विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट जो है ज़रा दिल थाम के सुनिएगा ये काफ़ी दूर से आई है फातिमा मुजफ्फर एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट के नाम के साथ साथ मेंबर ऑफ तमिलनाडु वक्फ बोर्ड हैं मुस्लिम वुमेन एज सोसाइटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं आपकी शख्सियत की बुलंदी पहचान आपके खुलूस व इखलाक के साथ होती है आपको ऑथर एंड ऑथर हैं लिविंग इन हार्मनी बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की प्रोपराइटर्स हैं मिल्लत हज सर्विस की तो मिलिए इस नुमाया शख्सियत से जो कि आज हमारे साथ हैं प्लीज़ वेलकम मिसेज मुजफ्फर और इंतज़ार ख़त्म होगा जनाब मिसेस सलवा इमरान रसूल का क्योंकि अब मैं उनको आवाज़ देने जा रही हूँ
Mrs. Salva Imran Rasool, Arabic calligraphy ki bain ul aqwami satah par jani mani calligraphy artist hain. Aapne apni Arabic calligraphy se duniya bhar mein ek nayi pehchan banayi hai, jahan calligraphy ki art aur design ne Muslim mumalikon ya Europe bhar mein art exhibition ki shaan hai. Aap ek modest, aapka hunar aur aapki numaya shakhsiyat aane wali generation ke liye ek mashale raha hai. So please welcome Mrs. Salva Imran Rasool. Last but not the least, जो हमारे सामने एक पैनलिस्ट को पेश करेंगे वो शायद ही आज के ज़माने में हमें कहीं देखने को मिले. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिजाबी, बाइकर हिजाबी की, द वेरी फेमस, जो कि आज के फैन फॉलोवर्स में सबसे आगे हैं और एक नए अंदाज में वो बाइकर हिजाबी. उन्होंने एक औरतों में जो एक बैरियर था बाइक चलाने का, सिर्फ मर्दों में चलता आ रहा, मर्दों में चलता आ रहा है, वो तोड़ा है. और आई वेलकम मिसेज रोशनी, मिस रोशनी मिसबा ऑन द स्टेज विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. और आप तमाम से गुजारिश है, यहाँ पर जितने भी हाजरीन हैं, नाजरीन हैं, सामईन हैं, ख़वातीन हैं, तमाम से गुजारिश है कि वो दस्त बस्ता और बहुत ही अच्छे से सुकून से इन्हें सुने, क्योंकि हमारे मेहमान जो है बहुत खसूसी मेहमान हैं. तो इनके लिए एक बहुत बड़ी तालियां हो जाए. शबाना, ऑल द बेस्ट. आप जो हैं इन तमाम से सवाल और जवाब करने वाली हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच शाइस्ता. स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैंने काफ़ी हैरान किया आप लोगों को. थैंक यू सो मच लेडीज़. मेरी तारीफ़ काफ़ी लोगों ने की है, लेकिन मैं आप लोगों की काफ़ी सराहना करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही पेशेंटली बैठे हुए हो. नो डाउट किसी की स्पीच लंबी हुई होगी, किसी ने पता नहीं क्या क्या आर्ट लिखा है, किसी को मोटिवेशन मिला हो, किसी को इंस्पिरेशन मिला हो, मुझे नहीं पता. वी डोंट नीड एनी इंस्पिरेशन. आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन हो मेरे ख्याल से. थैंक यू सो मच. बस मेरा मकसद यही था कि हम हिजाब पहनते हैं, बहुत सारी क्वालिटी हमारे में है, लेकिन हमें खुद को भी नहीं पता है कि हम उभर पा रहे या नहीं उभर पा रहे. हम सिर्फ हमारे माशरे में ही रह रहे. आज मेरे पास मेमन जमात से भी है, कोकनी जमात से भी है, और शिया जमात से भी है, एंड हिंदू जमात से भी है, और कुछ मारवाड़ी भी है यहाँ पर. सो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यस, मैंने सबको कनेक्ट किया है एक पैनल पर. दूसरा, यहाँ पर मेरे पास जो बैठे हुए ये पैनलिस्ट, ये भी कुछ कम नहीं है कोई भी फील्ड में. अगर मैं रोशनी की बात कहूँ तो, मिसेस मुजफ्फ़र की बात कहूँ, या ये की बात कहूँ हलीमा की, शी वॉज डांसर. एंड सलवा मैम की तो ज़रूरत ही नहीं कोई इंट्रोडक्शन की. असमा ज़ैदी, इवन यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. एंड आप शाहीन अख्तर, मार्शल आर्टिस्ट. सो मैं कुछ सवाल आपको करूँगी, थोड़ा सा टाइम आपका लूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा. मुजफ्फर मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बीइंग हिजाबी, आपने जो भी कुछ पॉलिटिक्स आपने किया है, मैं उस पर रोशनी डालना चाहती हूँ, कि आपको कभी परेशानी नहीं हुई? पहले बात तो मैं अल हादी ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देती हूँ, और जितने भी यहाँ पे हिजाबी एंड नॉन हिजाबी बहन हैं यहाँ पे बैठे, आप लोग सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज हम लोग ऐसे अच्छी बात को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं. बिकॉज यूजुअली वी सेलिब्रेट इन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट फॉर द फिगर, वी सेलिब्रेट फॉर ब्यूटिफुल हेयर, वी सेलिब्रेट फॉर द हाइट एंड द स्किन एंड द कलर. नाक, आँख सब मार्क्स डाला जाता है यहाँ पे, है ना, हमारे ब्यूटी को कैसे प्रोटेक्ट करना, और हमारे कैरेक्टर के लिए यहाँ पे मार्क्स डाला जा रहा है. So I really salute all the men and the women who are here. Politics, yeah. I think as ladies we should, that should not be questioned to ladies, because poor men only fall prey to our politics. We are all I think every home the best politician are the women. I'm sure all of you will understand what world will teach us. You know, we will teach the world. Every woman can teach the world, because she knows how to do politics with the husband and the son, with the mother-in-law and the husband, her husband. She knows how to do politics with the son and the daughter. She knows how to do politics with her brother and her mummy, and she knows where to get what to get, how much to get. Yes or no? So that is why Allah subhanahu wa ta'ala made Hawa alayhi salam to support Adam alayhi salam. Poor man was all alone. He didn't know what to do. Like one of the scholar very beautifully, she said,
he didn't know what to do only. So he needed Adam alayhi salam, Hawa alayhi salam to teach him what has to be done next. So I think world politics is nothing at all for us. Only mera ek hi darkhast hai ke politics ko jo aaj ek MLA hamare darmiyan hai, main aapko mubarakbad deti hoon sir. Main thodi der ghabrai gayi kahan pe chief minister of Maharashtra aa gaye, kyunki aap bahut similar hain, you look alike to the chief minister of Maharashtra. I'm wondering why are they calling him only MLA. I think he's the chief minister who's come here. Maybe khoon ka rishta hai Adam alaihi salam ke nasal se khoon ka rishta hai. I only want to tell the women present here, aaj to duniya humko jo politics siyasat ko jo hai galat tarike se istemal karke aur usko ganda bana diya hai. My father was a member of parliament for 18 years. He was MLA for 5 years. He could have, during Indira Gandhi's time, he could have become an ambassador or a governor if at all he had used opportunist politics. Allah gawah hai, when he passed away, he did not have a house in his own name. Okay. He stood for integrity and honesty. And that is the politics I have seen and I have grown up. So when people say, kya ye ganda hai, ye siyasat mein kyun ja rahe aap? It's a very dirty field to be in. I say, okay, who has to clean it up then? We have to clean up politics. So the right thinking people, good people and honest people have to come to politics. That is why I have taken up politics, one it's in my genes and another thing I have come with a mission. Agar achhe log nahi aayenge, to aaj Shaheen Bagh mein baithna padega. Agar, I'm not talking that politics here. Aaj jo auraton ke liye jo awaaz, mere awaaz bhi thoda theek nahi hai. Kyunki naare lagate lagate awaaz hi baith gaya hai. Kiske liye naare lagati hoon, aap log to jaante hain. To aaj achhe log aana hai politics ko. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट्स लाइक एनी अदर वर्क दैट वी डू एट होम. घर के लिए करते हैं, हम देश के लिए भी करना है. बिल्कुल करना चाहिए. एक्चुअली लेडीज़ को भी कोई पॉलिटिक्स में अगर कुछ मौका मिल जाए तो मुझे मिले तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कर दो. मिस्टर अली नोज मी वेरी वेल कि मैं क्या क्या बोलती हूँ. ओनली वन करेक्शन, मौका नहीं मिलता है. Yes, मौका क्रिएट करना है. एदर यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी और यू सीज एन अपॉर्चुनिटी, यू विल नॉट गेट द मौका. डेफिनेटली मौका जरूर उसको भी ढूंढेंगे एंड डेफिनेटली प्लान. रोशनी, आपसे सवाल है. फर्राटेदार आप बाइक जो दिल्ली में चलाते हो और लोग काफ़ी फ़ैन हैं, धूम मूवी में तो काफ़ी देखे हैं, अभिषेक बच्चन को देखें, कतरीना कैफ को तो नहीं देखा है, आप इतनी फर्राटेदार बाइक कैसे चला लेती हो? अब इतने सारे फॉलोअर्स को लेके चल रही हो आप, एंड मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरा इन्विटेशन भी एक्सेप्ट करोगी. आई वॉज वंडरिंग लाइक, एंड माई सन हादी इज़ अ फैन, die hard fan I can say, and my brother Ali over there, he's a fan of yours. So main jab biker, hijabi biker jab sunti thi, so I was like wondering ki kaun hai ye hijabi biker, itna kya hai Hadi boys log ko itna craze hai. But jab maine khud dekhna shuru kiya, so I was like are baap re, itna bahut kuch India mein advance ho ja chuka hai aur main to kahin hu hi nahi. So Roshni, please is pe roshni dale aapki ke aapne start apni journey kahan se shuru ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for your invite. आपने बुलाया तो आना ही था. शुक्रिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और थैंक यू हादी, आपकी वजह से यहाँ आई हुई हूँ. और वैसे माशाल्लाह दिल्ली से आ रही हूँ, इतनी ठंड हो रही थी, यहाँ AC भी इतनी तेज़ चला रखा, मुझे ठंड लग रही है बहुत देर से. कहे तो AC बंद कर दे. नहीं नहीं नहीं, ओके. सो मुझे शुरू से पढ़ाई में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मुझे पसंद ही नहीं था पढ़ना. आई वॉज़ ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स, सिंगिंग, ये सब चीज़ें पसंद थी. तो टेंथ क्लास में किसी एक दोस्त की बाइक लेके मैंने, यार बता दे कैसे चलाते हैं, प्लीज़ सिखा दे. उसने थोड़ा सा मुझे बताया, मैं एक राउंड लगाने लेके गई, सीधा जाके वो पुलिस वालों की गाड़ी में फटाक. तो उन्होंने तो चलो कुछ नहीं कहा उस दिन. मैंने कहा नहीं यार, और मैं थोड़ी पतली भी थी, अभी तो मोटी हो गई, तब तो अच्छी खासी पतली थी. तो सब मुझे ये कहते थे भाई ये लड़कियों के काम नहीं होते, मोटरसाइकिल लड़कियां नहीं चलाती, गिर जाओगे, लग जाएगी. बुलेट होती थी भाई, बुलेट बहुत बड़ी बाइक, कि इससे बड़ी बाइक नहीं है. कभी जॉन इब्राहिम वगैरह को हम हायाबूसा चलाते देखते थे, कौन सी धूम आई थी जो उसमें, तो वो तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था. बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू राइड मोटरसाइकिल्स एंड आई वॉज ऑलवेज इन टू को करिकुलर्स एंड
I always had this thought ki kuch out of the box karna hai. So masters mein admission lena tha. Meri sari friends MBA karne ke liye keh rahi thi, to maine bhi CAT ki classes join kar li. CAT ka exam tha jis din. Us din mujhe aisa laga, nahi yaar, Misbah kuch aur karna hai, ye nahi karna. Aur kya karna hai kuch nahi pata. कुछ लेकिन कुछ अलग करना है. मैं घर से निकली कैट का पेपर देने के लिए, लेकिन मैं कैट का एग्ज़ाम दे के ही नहीं आई. मैंने, ये तो सारे एमबीए कर रहे हैं भाई, मैं क्यों एमबीए करूं, मुझे तो कुछ और करना है. मैंने घर पे आके किसी को कुछ नहीं बताया कि पेपर वेपर नहीं दिया. घर पे आके मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा इस्लामिक स्टडीज़ का बहुत शौक़ था कि मैं पढ़ूँ. वो पापा ने मुझे ग्रेजुएशन में नहीं जाने दिया जामिया, तो मैंने मास्टर्स में जामिया मिलिया में चेक किया कि कौन सा कोर्स मेरे लिए एलिजिबल है मास्टर्स के लिए. तो देर वॉज अ कोर्स मास्टर्स इन अरब इस्लामिक कल्चर, मुझे बहुत पसंद आया. मैंने कहा मैं ये करूँगी. मुझे नहीं पता इसके बाद आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मुझे ये पढ़ना है. अच्छा ये भी था कि जामिया ना मेट्रो नहीं जाती थी, सबसे बेस्ट चीज़ थी. मैंने कहा पापा मुझे चाहिए बाइक. पापा ने कहा दिमाग ख़राब हो गया बेटा आपका. नहीं पापा मुझे बाइक चाहिए. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इन टू सुपर बाइकिंग. सुजुकी इंट्रूडर आई थी हमारे घर, सलमान खान के पास है वो बाइक. लिया मंगती है सलमान खान के घर पे आए, हमारे वहाँ तो सलमान खान. तो मैं तो पूरे मोहल्ले में सिर्फ यही कहती फिर रही थी भाई मेरे पास वो सलमान खान वाली बाइक है. एंड मैं सोचती थी कि पापा इतनी बड़ी बाइक चलाते कैसे, 1800 cc की, 350 किलो की मोटरसाइकिल. और बस ये था कि हाँ मुझे कभी बाइक चलानी है. तो बस जब जामिया में मेरा एडमिशन हो गया, मैंने कुछ पैसे जोड़े, कुछ किया, जाके मैंने कहा पापा ये मेरे पास पैसे हैं, प्लीज़ मुझे बाइक लेनी है. पापा मेरे मान गए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मम्मी नहीं मानी बिल्कुल भी. तो पापा ने फिर कुछ तिकड़म बिठाया और बोला हाँ हाँ ये इसके चाचा की बाइक है, उन्होंने दिए थोड़े दिन चलाने के लिए. तो आई बॉट एन एवेंजर, मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ी नीची बाइक ली थी. तो अब मैं इसे हिजाब नहीं कहूँगी, सर ढकती हूँ मैं. तो सर ढक के मैं बाइक चला के जामिया मिलिया जाती थी. जामिया के लिए ये बहुत नई चीज़ थी कि भाई एक लड़की मोटरसाइकिल पे आ रही है. और मैं बस आते जाते दिखती थी, किसी को नहीं पता था कोई. मैं मास्टर्स इन अरब इस्लामिक कल्चर करने गई हूँ, मैं अपने सेंटर गई हूँ, उन्होंने मुझे बोला आप पक्का इधर ही आए हो पढ़ने, आप MBA में तो नहीं हो, लॉ में तो नहीं हो. सब ये सोचते थे कि मैं लॉ या MBA कर रही हूँ, मैं ऐसा कोर्स नहीं पढ़ रही हूँगी. क्योंकि माशाल्लाह वहाँ तो सब बुरका पहन के और एकदम नकाब में इस तरह आती थी. तो दैट इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड. बट आप हयाभूसा वगैरह जो मैं सुनती हूँ देखती हूँ, वाकई में जॉन इब्राहिम टाइप की है, लेकिन आप इतनी रफ्तार में चलाते हुए मैं देखती हूँ तो मुझे डर लगता है, मुझे खौफ हो जाता है. पापा गिर गए तो पता नहीं कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आप कैसे मैनेज करते हो, वो भी आप इतनी कमर्शियल टीम को आप लेते हुए चलते हो. जब आपने कहा कमर्शियल टीम, नहीं कमर्शियल टीम क्या होती है आपकी, ये भी काफ़ी एक समझने वाली बात है कि अगर आप ये लेके चल रहे हो और आप ये सुजुकी वगैरह जो भी बाइक चला रहे हो, तो उसमें आप ये क्या, आपका क्या उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इस तरह आया कि वो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं दौड़ा रही थी, खूब तेज़ दौड़ा रही हूँ, एवेंजर थी, बड़ी छोटी सी बाइक है, और KTM वालों के साथ दौड़ा रही हूँ, कभी भी नहीं दौड़ाना चाहिए उनके साथ, मैंने सच में सीख लिया. तो उनके साथ दौड़ा रही हूँ और कोई बीच में ना एक डांस करती हुई मोटरसाइकिल आई, वो ऐसे आते हैं ना लड़के ज़िगज़ैग करती हुई. हाँ अब मैंने ब्रेक मारा, उस KTM वाले ने ब्रेक मारा, कहाँ जाके वो ब्रेक लगे, हम दोनों आपस में कड़ा एंड दोनों उड़ते हुए जा रहे हैं. मैंने घर पे जाके किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वरना उसी दिन बाइक वापस अंदर रख लेते. आदि तुझे भी समझना चाहिए, यू आर आल्सो राइडिंग सो फास्ट. तो 15 दिन तो मैंने 50 की स्पीड से ऊपर बाइक नहीं चलाई होगी, लेकिन वो 15 दिन बाद जो मेरा हाथ खुला ना, वो मुझे ऐसा लगा कि बस अब तो 100, 120 कुछ भी नहीं है. और फिर मैंने अपग्रेड करना शुरू कर दिया. अपग्रेड करते करते माशाल्लाह आज मुझे 3 साल हो गए हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए, एंड आई हैव कवर्ड इंडिया ट्वाइस ऑन एन इंडियन मोटरसाइकिल, दैट इज़ अ 400 kg मोटरसाइकिल, एंड माशाल्लाह 3 सुपर बाइक्स हैं मेरे पास, ZX6R, हायाबूसा एंड अ सुजुकी इंट्रूडर. सलवा मैम, जो कि मुझे आपको कोई इंट्रोडक्शन मुझे चाहिए नहीं आपका, बिकॉज़ आप अपने आप में एक इंट्रोडक्शन हो.
आप कैलीग्राफी आर्टिस्ट हो क्योंकि आपने अरबिक फॉन्ट ही चुना है, तो क्या आपको इतना इंस्पायर और मोटिवेट करता है कि आप इतने इंटरनेशनल लेवल पे आप हो? Firstly, Shabana, I would like to thank you for inviting me to this program. Thank you so much for accepting my invitation. No, it's an honor to be here. And of course, firstly, I would also like to tell you, I'm not famous because I'm still studying my art. I'm still, you know, practicing. And I think as an artist, I try to evolve and update myself in my art all the time. I'm basically, I graduated in graphic designing from JJ School of Art, and I specialized in calligraphy. It was in 1990 when I think I first decided that, you know, I wanted to have an Islamic painting for my home. And I decided on having an Asmaul Husna. But when I looked into the market, I saw that it was, you know, the very typical prints and the very common things which I would never have appreciated to put up in my home. So I decided, let me just, you know, do the painting myself. When I did that, I got a lot of appreciation for it. And that is where my journey actually started, because when I did this painting, I had my parents who used to travel a lot. They went to South Africa. They took these paintings as gifts, you know, because I started doing a lot of these home decor things, that idea came. And there was one buyer, an art buyer, who came across this, and that was my first order I got from South Africa, and then there was no looking back. Yeah. And I realized that, you know, if you have the ideas, you've got to be different. And, you know, the Quran has got such beautiful universal verses, which as an artist, I felt that I could, you know, interpret it into an art. Like, I think it just becomes a pride in everyone's home to use these paintings. Correct. Even I'm very much fond of your art. Thank you. And when I see your pendant, I feel like even I want to wear sometimes. I Thank want to you. Paragraph, like, That's I want an honor. To say something like that. Yeah, I want a pendant from you in my name. Thank you. Thank you so much. So I appreciate a lot. Yeah. Shaheen Akhtar, ma'am. Ma'am, aap to bahut hi kamal ki ho. जो बारबी डॉल से बच्चे खेला करते थे, आप उससे ये जो कराटे ब्लैक बेल्ट, पता नहीं क्या क्या आप चीज़ हो, एक लोगों के लिए पता नहीं आप क्या मिसाल हो कि आप किस तरह से अपने आप को एक हिजाबी आप बता रहे हो कि भाई आप शाहीन अख्तर, उनकी एक कोई क्लास, उनकी ये स्टूडेंट, ये वो, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि मैं पूछूँ क्या आपसे, आप ही बता दीजिए कि आप क्या हो ना। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अल हैदी, थैंक यू शबाना आपा, and most importantly thank you neelam because of whom I'm here. Main jaise aap log hai, main bilkul waisi hu. I am exactly the way you all are. Mujhe koi ek punch marega to main to gir jaungi, mujhe to aata hi nahi hai kuch bhi wo sab karne ke liye. No, wo actually it's only jo cheez hum aap bahut sare saal karte ho, you keep on practicing, you get conditioned and you get used to it. So I've been practicing this art for the last 35 years. I have started this art when I was in school. Matlab mostly in school kya tha na, main mostly I was like a tomboy kind of a girl, not the girl, typical girl, unlike who always would sit in the house play with Barbie dolls, but I was more outside playing games, you know, a lot of sports. Aur school mein also academically I was very good, but in my sports also very good. So when karate was introduced in school as an activity, okay, that was the time I enrolled. And wo meri journey, alhamdulillah, from there, it's non-stop consistently for the past 35 years. Wow. So it's been a long journey. And in this journey, my kids have also become national champion. I have become an international champion, retired as an athlete. Now, the only woman, and rather the first woman, to be a world referee in South Asia. Wow, that's wonderful. And obviously the first in India, alhamdulillah. Because karate is... you know what is martial arts? Basically, it's a man-dominated sport. बहुत सारे लोग हैं और referee ऐसी concept है कि वहाँ आपको अगर 95% male मिलेगे ना, सिर्फ 5% आपको female मिलते हैं. Correct. So alhamdulillah, I'm in that 5% in the world. Wow. And the one in India. I should say कि जितनी भी यहाँ पे girls बैठी हैं, जितनी भी girls हैं, मैं चाहूँगी सभी से कि सभी लोग martial arts सीख ले, ताकि किसी को मुक्का मारना हो तो फौरन उसी में दे दो. नहीं, मुक्का मारना नहीं, मुक्का मारने की बात नहीं है, एक्चुअली आपके अंदर मोर कॉन्फिडेंट आ जाता है, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू नो, सामने वाला कभी डेयर नहीं करेगा.
कोई देखे तो बोले देखता है क्या है यू यू आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू एक्चुअली देखता है क्या यू डोंट नीड अ मुक्का यू डोंट नीड अ किक नो बट अगर हमारे में कॉन्फिडेंस है और हमें कोई स्टेयर कर रहा है तो बोले देखता है क्या खाएगा क्या वो आप तो गिरेगा कहीं नहीं नहीं वो आप सोचते हो कि चलो मैं अपना अपने अपना स्ट्रेंथ तो आजमा लूं लेट मी सी हाउ स्ट्रांग वी डोंट हैव टू यूज दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी नो व्हाट वी आर केपेबल ऑफ बट मैं सभी से बोलूंगी सभी से गुजारिश है जितनी भी छोटी लड़कियां बड़ी लड़कियां हूएवर एज इज जस्ट अ नंबर सीखो मार्शल आर्ट सबको आगे बढ़ना है सबको सब कुछ आना चाहिए सब कुछ आना चाहिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट पहले आना तो चाहिए फिर आगे आप किसी को एम्पावर्ड कर सकते हो यहाँ पे अगर हिजाब पे के हम हिजाब की बात करें और एम्पावरमेंट की बात करें तो पहले तो हम घर से ही शुरुआत करें फिर बाहर जाके हम सब कुछ करेंगे बिल्कुल सही है बिल्कुल आई टोटली अग्री विथ यू अस्मा ज़ैदी आप तो पता नहीं क्या क्या है वालेकुम सलाम थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन फर्स्ट बिकॉज आप तो इतने छाए हुए हो विन चैनल पे कि पता नहीं क्या बच्चों को आप सिखाना चाहते हो और बच्चे क्या सीखेंगे और माए को क्या करनी चाहिए मुझे खुद को भी नहीं पता है मैं भी एक मम्मी हूँ दो बच्चों की मुझे कहाँ से एक फ्रेंड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए भी नहीं पता है मुझे तो पता you do what you think is right. No, no. जो आपके दिल को अच्छा लगे दिल को अच्छा लगे डेफिनेटली लेकिन काफ़ी मोटिवेशनल काफ़ी इंस्पायरिंग बातें आप करते हो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू काफ़ी आप लोगों ने आपने काफ़ी एजुकेशन फील्ड में भी किया है लड़कियों के लिए काफ़ी आपने बहुत कुछ किया मुझे नहीं बोलना है लेकिन आपकी ज़ुबानी ही मैं सुनना चाहूँगी थैंक यू क्या बताऊँ आपको द वर्क दैट वी डू सो यस अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी यस आई थिंक एजुकेशन इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड एवरीबडीज़ लाइफ मगर मेरा जो नज़रिया है एजुकेशन को लेके वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है मैं एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती इवन दो आई एम अ स्कूल लीडर मैं स्कूल चलाती हूँ बहुत सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में एंड आई एम द वाइस प्रिंसिपल ऑफ फोकस हाई स्कूल बट आई स्टिल थिंक दैट एजुकेशन मीन्स वेरी डिफरेंट थिंग टू मी ठीक है एजुकेशन का मतलब आप एजुकेशन को क्यों उसको एकेडमिक को क्यों आप इम्पोर्टेंस नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते एकेडमिक्स की अपनी अहमियत है मार्क्स की कोर्सेज की हर चीज़ की अपनी अहमियत है आई थिंक एजुकेशन से आई थिंक के मुराद है एक इंसान एक मुकम्मल शख्सियत बनना राइट यू शुड हैव अ पर्सनैलिटी यू शुड हैव द एबिलिटी टू make a change you should have an ability dekhiye hum education agar aap pehle ki baat bhi sochein to aap ye sochiye ke schools shuru hi kyun hue the theek hai likhna padhne ki importance kya thi kyun logon ne schools shuru kiye to wo isliye nahi the ki aap degree leke job kare educate hum isliye hote hain taaki we become productive members of the society so that we are able to make a change Correct. so that we are able Agreed. to help civilization एजुकेशन का मकसद बहुत अलग है और अब बहुत अलग बन गया यू आर द एम इज़ नॉट टू गेट 99% एंड बिकम एन आईएएस ऑफिसर्स आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आईएएस ऑफिसर्स आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट दैट्स नॉट द एम ऑफ एजुकेशन द एम ऑफ एजुकेशन इज दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड You understand how things are dependent on each other. हम ये समझें कि हम एक दूसरों से कैसे जुड़े हुए हैं एनिमल्स हमसे कैसे जुड़े हुए हैं प्लांट्स हमसे कैसे जुड़े हुए हैं हम उनको कैसे अफेक्ट करते हैं वो हमको कैसे अफेक्ट करते हैं हम जिस सोसाइटी में जिस कम्युनिटी में रहते हैं हम पढ़ लिख के उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो एजुकेशन का फ़ायदा है वरना उस एजुकेशन का फ़ायदा क्या इफ़ यू गो टू अ 9 to 5 जॉब एंड यू आर ओनली वर्किंग फॉर योर सेल्फ एंड यू आर ओनली डूइंग अ जॉब फॉर योर सेल्फ देन व्हाट्स द यूज़ ऑफ योर एजुकेशन काफ़ी डीप थॉट हैं आपके सो दैट्स माई टेक ऑन एजुकेशन एंड दैट्स वॉट आई थिंक दैट्स वॉट वी बिलीव एट फोकस हाई स्कूल आई वर्क फॉर फोकस हाई स्कूल और हम लोगों ने जिस इलाके में स्कूल शुरू किया है आई मीन नॉट मी आई एम एन एम्प्लॉई ऑफ दैट स्कूल जो बोर्ड मेम्बर्स हैं जो हमारे स्कूल लीडर हैं हम लोगों ने यही सोच के स्कूल शुरू किया है ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद में कि वी वॉन्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन to the average man to the common man or we chose IB curriculum and now my school is starting with no curriculum
So, कैसे चलेगा ये स्कूल? चलेगा इंशाल्लाह, दौड़ेगा. मगर नो करिकुलम द अप्रोच, द थॉट बिहाइंड बोथ आईबी एंड माय स्कूल, I'm going to follow the STEM method and the Montessori experiential method. The idea behind both these forms of education is inquiry. Okay. Is problem solving. Is making children a part of the community. Making them resourceful, giving them future skills so that jo bacche abhi chote chote se hain wo job market mein 20 saal ke baad jayenge. Correct. Jab 20 saal ke baad wo job market mein jayenge to duniya waisi nahi hogi jaisi ab hai. Knowledge, by the way, is outdated. आपको जो knowledge चाहिए वो आपके phone पर है. So what you need in the 22nd century is not knowledge. What you need is skills. What you need is critical thinking. What you need is communication. I'm highly impressed. And that's what's important. Highly impressed, I can say. बहुत बहुत खुशी की बात होती है अगर हमारे पैनल में कोई ऐसे होते हैं और जो इतनी गहराई वाली बातें करते हैं. मुझे तो पता ही नहीं था कि एजुकेशन भी ऐसा कुछ रोल निभाता है. मुझे भी नहीं पता था कि ये जो बातें जो हैं ये इस तरह से भी निकल सकती हैं. एंड आई हाईली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच. हलीमा, सो नाउ हलीमा, वंस अपॉन अ टाइम यू वॉज अ क्लासिकल ट्रेन डांसर, यू मैंशन दैट, एंड फिर सडनली आप ऐसी टॉपिक पर आते हो कि यू हैव टर्न टू हिजाबी ब्लॉगर. ये हलीमा हिजाबी ब्लॉगर ही क्यों एंड व्हाई इट इज़ सो? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. बिफोर आई प्रोसीड दैट व्हाई आई बिकेम अ हिजाबी, आई वुड लाइक टू से दैट वी आर नॉट जस्ट ओनली सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड हिजाब डे हियर, वी आर ऑल्सो लिविंग द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेक्युलर इंडिया. एज दिस कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव gives us the liberty not only to practice the religion we believe in, but to celebrate it, but to preach it as well. It is the very secular nation nature of our constitution that despite of all the religious, linguistic and cultural differences, we have been living together in a state of peace and harmony. It is the constitution that makes us we the people of India. And moving forward to the question, I have been dancing like when I was 3, so it's like मैं एक ऐसी ज़िंदगी से थी जहाँ पे it's like being a Hannah Montana वाली लाइफ की 3 साल की उम्र से डांस करती थी और स्कूल में बहुत जल्दी फेमस हो गई थी बिकॉज ऑफ दी डांस. और आई वॉज ऑल्सो रिवॉर्डेड एज द बेस्ट डांसर ऑफ माई स्कूल, आई वॉज द डांस डायरेक्टर ऑफ माई स्कूल. एंड नहीं अच्छी बात है, इतनी छोटी सी उम्र से डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, डांस डायरेक्टर ऑफ द स्कूल. तो टीचर यूज टू टॉन्ट मी लाइक यू नो तुम सिर्फ डांस करना, तुमसे पढ़ाई तो होगी नहीं. ऐसा नहीं है, मैं करिकुलम लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी मैंने बहुत किए हैं. तो इट वॉज़ लाइक टीचर यूज़ टू टॉन्ट मी लाइक तुमसे कुछ नहीं होगा हलीमा, तुम सिर्फ डांस करना डांस करना. सो इट वॉज़ लाइक नहीं ऐसा नहीं है. तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स टेक द चैलेंज. बट उससे पहले हुआ ये कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई प्री बोर्ड, 10th प्री बोर्ड, एंड टीचर कम्स टू मी एंड शी वॉज़ लाइक वी हैव सच एंड सच डांस कॉम्पिटिशन ऑन Valentine's Day and you were supposed to dance. It's a couple dance. So I was like, I'm like, ma'am, pre-board hai, abhi to mati karao please. Kehte nahi Haleema, you have to dance. You're the dance director and you have to lead the dance. I was like, chalo theek hai, karte hain. Kiya. So this was the first time that I was not feeling comfortable dancing with a guy. Like this was not the case because I have been dancing from the very age, early age. So it's like, फिर teacher का वही you know start हो गया, pre-board है, next year board देना है और तुम dance ही करते रहो. So like अब नहीं, I quit my Bharatnatyam classes, I quit everything and I started concentrating on my studies. Somehow I like cleared my 10th and got admission into another school because मेरा मन भर गया था उस स्कूल से. बिकॉज वेन यू आप डांसर हो, आप जाने जाते हो यू नो कि हर बंदे मतलब जो बच्चा यहाँ से मतलब नर्सरी की क्लास से 12th क्लास का बच्चा आपको जानता है, ओ हलीमा द डांसर, द हिजाबी आई मीन द बेस्ट डांसर ऑफ अ स्कूल. तो अब एक एक लाइफ ऐसी थी कि अपना फील्स लाइक अ सेलिब्रिटी एंड लाइक सडनली फिर आप डांस छोड़ दो. सो मैंने कहा चलो नहीं नेक्स्ट टर्म. तो आई गॉट इनटू एडमिशन टू अनदर स्कूल एंड आई हैड नो आइडिया, नीदर ऑफ माई पेरेंट्स हैड एन आइडिया, इट्स अ मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल. एंड वेन द फर्स्ट टाइम आई एनकाउंटर्ड द हेड स्कार्फ वॉज दैट हिजाब वॉज अ पार्ट ऑफ माई यूनिफॉर्म. तो पहले तो मेरा रिएक्शन था मतलब क्या मतलब हिजाब कौन पहनेगा एज अ यूनिफॉर्म यार. तो बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म तो चलो पहन लिया.
उसके बाद मुझे अच्छा ही लगा, मतलब ठीक है इसमें कोई बुरा नहीं है कि आप पहनते हैं. तो एज आई सेड कि मुझे चैलेंज लगा कि जब टीचर्स ने मुझे कहा कि सिर्फ आप डांस कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, आई सेड नहीं, नाउ आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं कुछ और भी हूँ. लकीली आई विन अ क्विज कॉम्पिटिशन, इट वॉज लाइक माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड आई गॉट द स्कॉलरशिप टू लाइक फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम टू यूनाइटेड स्टेट्स. And I was the one of the 7 students from the India only. And there were people from like Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Pakistan. And I felt like, wow, I have like, मैंने इतना मेहनत किया था. I have already had an interest in politics. तो वो competition भी थोड़ा वैसे ही था कि politics के बारे में बताना था आपको. तो जब मैंने वो ले लिया और मैं scholarship मुझे हासिल हुआ, तो that was the first achievement towards कि नहीं, मैं सिर्फ dancer नहीं हूँ, I have something here as well. नेक्स्ट जब मुझे अमेरिका जाना था, एंड आई टोल्ड माई मदर कि अम्मा लाओ आज ना ये चैलेंज भी लेते हैं कि चलो हिजाब पहन के देखते हैं, एक महीना बाहर रहूँगी, कोई नहीं देख रहा क्या होता है. इवन दो आई वॉज प्रिटी अवेयर अबाउट 9/11 केस, तो लेट्स सी क्या होता है. मैं गई वहाँ पे, मुझे ऐसे वेलकम किया लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था. पीपल लव्ड मी और द वेरी दैट मोमेंट दैट मेड मी हिजाबी. हम लोग सब खड़े थे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में टिकट्स लेने के लिए, तो मैं खड़ी थी वहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर लाइक मुस्लिम्स, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एंड आई वाज द ओनली हिजाबी ओवर देयर. एक डार्क से अंकल वो सामने से आते हैं, लाइक इंडिया में ऐसा कल्चर है नहीं कि आप किसी को भी देखें और सलाम कर दें, तो मतलब वो आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अच्छा ठीक है वालेकुम अस्सलाम. वेरी नेक्स्ट टाइम ही सेड हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू डूइंग गुड. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड. और ये पहला इंस्टेंस, इट लीड्स टू अनदर. जहाँ जाती थी मैं, इधर इट्स मॉल, टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, जहाँ भी गई मैं, वहाँ पे जितने भी हिजाबीज थे और मुझे रिकोगनाइज़ कर लेते थे कि अच्छा दैट्स अ मुस्लिम, वो मेरे पास आते थे और मुझे जब ग्रीट करते थे तो मुझे ये लगता था कि वो जो मुझे ग्रीट करते हैं दैट्स नॉट ओनली द सलाम देयर सेइंग, देयर अप्रिशिएटिंग मी टू हैव द करेज टू put my hijab on my head and coming to a country where people are, can be easily targeted for being a Muslim. Like, we all aware about 9/11 case. That was like, wow. I was in my dorm, or it was like the time of Isha, or I was on my prayer mat, my praying mat. I just suddenly aisa hua ki dua ke liye haath uthaya maine, aur everything was coming like a flashback, ki वो अंकल मेरे पास आते हैं जिनको मैं जानती तक नहीं, वो मुझसे आगे सलाम करते हैं जबकि वो मुझसे बुज़ुर्ग हैं, और वो मुझे सलाम करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसी हूँ. वो जो जितनी भी औरतें मेरे पास आती हैं और वो कहते हैं कि अगर आपको कभी कोई ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. मैं तो जानती नहीं, बट उनको किस चीज़ ने मेरे पास आने के लिए मजबूर किया, इज़ द माई आइडेंटिटी. देन आई रियलाइज दैट अल्लाह ने मुझे यहाँ लाने का मेन मकसद यही था, टू गेट द हिदायत दैट This is what I was like, कि एक स्टिग्मा सा लग रहा था मुझे कि यार यूनिफॉर्म में कौन हिजाब रखता है, कैन बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ वन डे. देर वॉज द टाइम जहाँ मैं डांस के सिवा कभी सोच नहीं सकती थी कि आई कैन डू एनी थिंग, लाइक डांस वॉज लाइक पूजा फॉर मी, एंड नाउ हिजाब इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ. एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, एंड आई वाज जस्ट 17, तो एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस थिंग कुड हैव लीड मी टू लाइक टू अ वेरी नेगेटिव थिंग, कि हाँ हो सकता था कि मुझे बहुत नेगेटिव लोग रिएक्ट करते कि अरे व्हाई यू पुटिंग दिस ऑन, लाइक डोंट बी लाइक कावर्ड, और जस्ट टेक इट ऑफ, वी डोंट नीड पीपल लाइक यू, दिस कुड हैव टर्न लाइक दिस, बट ऐसा हुआ नहीं. और लकीली आई वॉज फॉर्चुनेट अबाउट दैट. अच्छा तो ग्रेजुएशन इज़ द टाइम जब हमारी लाइफ जो है ना चेंज होती है, एंड मेरे फादर को एक प्रॉब्लम था कि जब मैं स्कूल में थी तो मैंने कभी प्राउडली ये नहीं बताया दैट आई एम अ डॉटर ऑफ अ चाय वाला. आई रियली फेल्ट बैड क्योंकि उनको लगता था कि आई कैन नेवर लाइक अप्रिशिएट द आइडेंटिटी दैट आई हैड दैट आई एम डॉटर ऑफ अ चाय वाला. अरे चाय वाला कैन बी मोदी. माई फादर इज रियल चाय वाला, और ही इज़ नॉट लिटरेट टू बी ऑनेस्ट, नन ऑफ माई पेरेंट्स आर लिटरेट, बट उनको ये था कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ाई वॉज लाइक समथिंग कि चाय वाला कैसे एक्वायर कर सकता है, लाइक खुद तो पढ़ा नहीं तो बच्चे क्या पढ़ाएगा. बट हज़रत अली का मुझे एक बहुत अच्छा सा वो लगता है कि जो कोट है कि डू नॉट इनहेरिट द रिलीजन, लर्न इट. तो जब मैं ग्रेजुएशन में गई तो इट्स लाइक कि पीपल यूज़ टू आस्क मी लाइक व्हाई डू यू वेयर हिजाब, देयर वाज अनदर मुस्लिम गर्ल इन माय क्लास एंड लाइक वो तो पहनती नहीं तुम क्यों पहनते हो, जरूर तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला होगा.
I know Muslims are like this, na? They force their daughters to wear it. I was like, nahi, aisa nahi. Then I like that. जो क्यूरियोसिटी थी ना वो जागी कि मैं एग्जैक्टली मुझे बताना भी तो चाहिए ना कि वाई एम आई पुटिंग ऑन माई हिजाब लाइक मैं क्यों हिजाब पहन रही हूँ पीपल शुड नो दैट एंड मैं आई कैन बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई कम्युनिटी बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी लाइक मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स डू हिजाब तो क्या करा जाए तो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब लाइक कोई तो मिले जिसे आई कैन रिलेट की दैट्स शी इज़ हिजाब एंड आई कैन बी हिजाबी बट अनफॉर्चुनेट आई कुडंट फाइंड एनी वन सो आई डिसाइडेड आई विल बी द वन कि खुद का ब्लॉग स्टार्ट करूंगी एंड आई विल स्टार्ट अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है कुछ भी करना है बट करना है लाइक खुद से स्टार्ट करूंगी अपना ब्लॉग आई विल एजुकेट पीपल आई विल मेक देम अवेयर अबाउट दैट दिस इज नॉट एन ऑप्रेशन दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन दिस इज नॉट अ स्टिग्मा इट इज एन इमोशन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव अ वेरी इमोशनल अटैचमेंट टू इट जिस चीज़ के लिए मैं जानी जाती थी आई कुड हैव बीन अ ग्रेट डांसर राइट नाउ बट मैं अभी भी जानी जाती हूँ बींग अ हिजाबी and that's really for me I'm really grateful to my lord that I am a hijabi he gave me hidayat aur meri amma ka matlab meri amma is like fascinating unko lagta hai ki meri beti bahut bahut hi achhi hai unko lagta hai ki haleema tumko allah ne hidayat dete di hai na trust me you're the chosen one allah sabko hidayat nahi deta hai if you got the hidayat you're the chosen one so I really believe that if you're putting your hijab on do not feel that you cannot be anything मी बींग डॉटर ऑफ अ चाय वाला आप अपनी इकोनॉमी से मतलब अपने बैकग्राउंड से बाहर आएँ तो आप सोचेंगे अब एजुकेशन मतलब आप ट्वेल्थ भी पास कर लेना इट्स बिग डील फॉर मी लाइक बट बींग अ डॉटर ऑफ अ चाय वाला इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट आई मैनेज्ड इट आई डिड माई अंडर ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स देन आई ऑप्ट फॉर द मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन पब्लिक रिलेशन एंड इवेंट नाउ आई एम अ मैनेजर इन ई कॉमर्स कंपनी So Allah ne mujhe bahut lamba safar diya hai but alhamdulillah I'm very grateful to my lord very Thanks good so to know that you have given so many things about you know you have inspired these ladies I don't know they need more inspiration now I think unhe bhi lagta hai ki ya hum bhi yahan se uthe aur fatafat ya to youtube channel start kar de ya to blogging start kar de ya to pata nahi kya kare aur pata nahi kya kare yani itne inki motivation dimag pe pata hai timtimaye lage tare कि पता नहीं चल रहा है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें कौन सा यूट्यूब ऐसा चैनल देखे जहाँ कोई नहीं कर रहा हम ट्रेंडिंग करने लगे ये ऐसा कुछ सोचने लगे हैं लोग सो प्लीज़ धीरे धीरे चलना भागना नहीं वरना गिर जाओगे पीछे संभालने वाला कोई नहीं होगा मोदी कैन बी ए चाय वाला एंड शी कैन बी ए डॉटर ऑफ चाय वाला तो हमें भी थोड़ा संभल के चलना है घर पर भी जाना है वापस मैं रोशनी का एक वीडियो दिखाना चाहूँगी कि वो बाइक कैसे चलाती हैं एक खाली वीडियो शी हैज़ डन एड ऑफ लिबर्टी की So please Sadiq and Hemani if you can सब कहते हैं दिल की सुनो लेकिन जब दिल की सुनने की कोशिश की तो किसी के गले से नीचे नहीं उतर पाया घर में अब्बा का डर और अम्मी की फिक्र मोहल्ले के हर नुक्कड़ पर बैठे समाज के ठेकेदार लड़की को स्पोर्ट्स बाइक पे देख मर्दों की मर्दानगी को पहुंचती चोट और उनके ताने तू चल मैं चलूंगी तुम घूरोगे मैं हारूंगी तुम हंसोगे ताने मारोगे लेकिन 234 की स्पीड पर ये सब मुझे सुनाई नहीं देगा I'm
love with you, to chal to bar. Yes, my love, I don't have any words for you. And bas badhte jao, karte jao. So, she is Roshni, a biker. She was here. I will say that all of you have a bike. But if there is a jazba, then bad and tu chal. Thank you so much, Roshni. I got the opportunity to show them so that I can show them what Roshni is a biker and why we are saying hijabi biker. So, thank you so much. I have taken more time for you guys. Because there is another one in our behind, Christian. She has accepted the Shia community, I don't know, the Muslim community, and she is hijabi now. So, I just know now. That is amazing. I would like to call her on stage, Roslyn. And she is married to Sajjad Patel, so Roslyn Sajjad Patel. Please put your hands together for Sister Rosie Sajjad Patel. If there is a whole community coming, then I feel like yes, there is something in me that I can maybe connect everyone. Beshak. So please welcome Roslyn Sajjad Patel. Please, tell us about you. How did you came out with this? This was very unexpected. It's a surprise. I was not told about this at all. But I'd just like to share something about myself. I am not Muslim, born Muslim. I was a Christian. I got married to my love, my husband. And so I've converted to Islam. And since then, I'm following Islam. Thank you so much. What made you to convert it to Islam? Allah or Islam what? Yeah, first I read about Islam, the details about Islam. Because then, you were falling in love, that's why? Or? No, not because of that. I had many Muslim friends also. Okay. But luckily, maybe Allah wanted me to be in Islam. So Allah, I got the great. Right person. I'm proud that yes, I'm having so many panel here and so many ladies who are from different caste sects, I can say. I'm not targeting any particular sect or any caste, I can say. But yes, I'm proud that yes, we are hijabi and we are empowered something. Yeah, that's yes. Right. Thank you so much, ladies. Thank you so much for coming here and giving, I have taken your time, but giving your opinion about hijab and inspiring others. And thank you so much for giving this segment. Thank you so much. Thank you all, ladies and gentlemen. Please put your hands together for Misbah, Roshni, Dr. Muzzaffar, Haleema, Mrs. Salva Rasool, Mrs. Asma Zaidi, and Shaheen Akhtar Sahiba. Thank you so much for your time. Please be seated. One view of mine. Yeah. Photo, before exiting the stage. It's okay. Just want to leave this message to all the empowered men and women who are here. When you think of a hijabi lady, what exactly do you think about? I always ask this to my those friends who are not in hijab, okay, who don't wear hijab. Because this one message I want to register on this very special stage, because we get so many other stages, but we don't get a stage to celebrate hijab. You know, the problem with this, because we have appreciated and we have, you know, we have praised each other, but we should also have constructive criticism, and we should know what is it that is making them think about us in another way. Majority of the time when I speak to my friends from the other fellow communities, they say, okay, when I see a hijabi lady, this is a very frank reply, I think of a Barbie doll, I think of biryani, and I think of babies. Muslim women who are in hijab are very beautiful like Barbie dolls. They will make delicious biryani, and they will have many babies. So a Muslim woman is known for these three things. Another friend has told me, okay, hijabi, they always wear mehndi. And they'll wear all beautiful dresses always. And they will all be sitting like Ranis in the Mahal. So we have to break that stereotype. I want to exit this stage by telling you that this hijab is only for your body and beauty, not for your brains. Please use your brains. Break the stereotype. I'm not talking about me, I'm talking about all the ladies here. I love you, Neelam Vakil.
and your sister Alia. We are here to inspire those men and women out there who are having a wrong conception about hijab. The entire hall is full of hijabis. I want you, each one of you, to go out there and tell to those people, we are not biryani making and baby making machines. We are also fellow human being like you, but we are precious, that we want to cover ourselves like the diamonds, like the Swarovskis. I mean, and all those beautiful, you know, precious things, which has to be held in very high esteem. Otherwise, we can run a bike, we can kick the fear out of anybody, and we can have a lady so beautiful like a Malika, who is doing this, you know, subhanallah, who is doing Shia matrimonials, who is doing, you know, counseling and whatnot. And each one of us are here with a unique speciality. So carry the message outside that the hijab is not for your brains, it's only for your beauty and your body. Thank you. मैं हमेशा एक शेर कहती हूँ क्योंकि लोग हम लोगों को देख के समझते हैं कि भाई ये कुछ नहीं कर सकती और मतलब बस पहनावे पे जाते हैं तो गलत फहमी ना पालिएगा कम निगाही की गलत फहमी ना पालिएगा कम निगाही की ये चश्मा नज़र का नहीं धूप का है Before they moved on, and we can just have a most powerful selfie of this evening, and then you can please continue. So we can just have a great photograph, a group photograph together, and this will be remembered, this will be cherished for entire year. This is the day where we need to celebrate. Huge round of applause for the most powerful ladies on the stadium. Yes. My special thanks to Shaista, the main reason for me to be here, and my friend, Amtul Atifa Tabasum, who brought me all the way from Chennai. I must thank them here. And of course, Sister Shabana, who is a wonderful host. There is just one message that I would like to give, share with all of you, is that, you know, like, I mean, we are celebrating this day of hijab. There's one message that I would like to tell you all, ladies who are observing hijab, is that, you know, you have to understand that you all are ambassadors of Islam. So please try to be good citizens, do good work, and let people notice you, because it's always the dress code that is observed first. So we have to responsibly, with great responsibility, we have to be good citizens. Don't do anything wrong at all, because finally it is kapdon se log pehchane jaate hain. Main bhi ek choti si baat kehna chahungi. It was a wonderful effort for organizing World Hijab Day for the first time in Mumbai. Next time, it would be great if we can have a lot of non-Muslim people here. Yes, we should invite a lot of non-Muslim people so that we are able to have an interaction, right? When we have hijabis, we understand each other, but we need to have more interaction and more cohesion with others. So that would be great, inshallah.